Hi, and in today's video we are going to discuss about the nested loop. Basically, in the last few videos we have discussed a few types of the loops that were the for loop, while loop and the do while loop. So this is the fourth type of loop that is called the nested loop. So let's see what is nested loop. बेसिकली द नेस्टेड लूप इज़ द लूप इनसाइड द लूप. अगर हमारे पास दो लूप्स हैं कि एक लूप के अंदर हमने दूसरा लूप बनाया हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज द नेस्टेड स्ट्रक्चर. अब उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो लूप्स आ जाते हैं. अब उसमें क्योंकि हम लोग दो लूप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने दो लूप्स यूज़ किए हैं सो दे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप. दे कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप. लाइक अगर मैंने दो लूप्स बनाए, एक फॉर लूप का मैं बना लूँ, दूसरा उसके अंदर मैं जो है ना वाइल लूप बना लूँ, या पहले वाइल लूप बना लूँ फिर उसके अंदर जो दूसरा लूप बनाऊँ जो कि मैं नेस्टेड स्ट्रक्चर करूँ, मैं वो डू वाइल लूप बना लूँ. सो देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन दैट द बोथ टाइप्स ऑफ द लूप्स कैन बी ऑफ द सेम डेटा टाइप्स. सो अब इनके बाद जो है ना, दूसरी बात ये है कि अब मैंने यहाँ पर तो नेस्टेड स्ट्रक्चर में इस तरह से बात की कि एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप है, दैट्स इट. बट दैट्स नॉट इट. हम जो है ना एक लूप के अंदर दूसरा लूप एंड देन उसके अंदर फिर तीसरा लूप, और इस तरह से हम अपनी मर्जी से चाहें तो तीन चार पाँच जितने चाहें हम लोग उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बेसिकली कि हमारे पास नेस्टेड लूप, क्योंकि हमने बात की कि एक हमारा लूप है उसके अंदर हमने जहाँ पर हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं ना कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जहाँ पर हमने कोई और स्टेटमेंट्स देनी होती है, अगर हमने वहाँ पर ही एक और लूप स्टार्ट कर दिया है तो वो बेसिकली किस तरह से वर्क करता है कि हमारा आउटर लूप जो है ना एक दफ़ा रन करेगा तो इनर लूप उतनी दफ़ा रन करेगा जितनी दफ़ा उसकी कंडीशन है. फॉर सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल द टू लूप्स, बोथ आर द फोर लूप्स. द आउटर लूप्स कंडीशन इज़ दैट इट विल रन द टू टाइम्स, एंड इन द इनर लूप इट्स कंडीशन इज़ दैट इट विल रन द 1000 टाइम्स. अब हो क्या क्या कि हमारा आउटर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा. अब जब इनर लूप के एग्जीक्यूट होने की बारी आएगी उसकी स्टेटमेंट्स की, तो वो क्या होगा, 1000 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा. क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशंस 1000 टाइम्स है. जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन इट विल गो बैक टू द आउटर लूप. अब आउटर लूप पे जाएगा हमारा, तो अब वो दूसरी दफ़ा रन करेगा, फिर जो इनर लूप होगा वो अगेन 1000 दफ़ा रन करेगा. तो इस हिसाब से हमारा ये किस तरह से वर्क करता है नेस्टेड स्ट्रक्चर की, अगर हमारा आउटर लूप एक दफ़ा रन कर रहा है तो इनर लूप तब तक रन करेगा जब तक उसकी कंडीशंस ना फॉल्स हो जाएं. सो नेस्टेड लूप इसी को कहते हैं कि हमारे पास दो लूप्स होते हैं, जो कि आउटर लूप होता है फर्स्ट लूप, वो हमारा मेन लूप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द आउटर लूप, एंड द सेकेंड लूप इज़ कॉल्ड द इनर लूप. So that was all about the theoretical concept of the nested loops. In the next video we will discuss how this nested loop can be implemented in our dev C++. So till that, take care. Allah Hafiz.